और हथियारों से ये संदिग्ध लैस हैं। सुरक्षा बल इन संदिग्धों की तलाश में जुट गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको जम्मू से, जहां के गुरहापट्टन में कुछ संदिग्ध देखे गए हैं। हथियार बंद संदिग्धों को देखा गया है, जिसके बाद से सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान और तेज कर दिया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, गुरहापट्टन अखरूर के पास इलाका पड़ता है। इससे पहले जम्मू के कनाचक इलाके में भी इस तरह से संदिग्ध देखे गए थे, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां और चौकन्ना हो गई हैं। सुरक्षा बल इन लोगों की तलाश के लिए जगह जगह छापे मार रहे हैं, छानबीन इन लोगों की जा रही है। जम्मू के गुरहापट्टन से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां कुछ हथियार बंद संदिग्ध देखे गए हैं और सुरक्षा बल संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जम्मू से, जहां कुछ हथियार बंद संदिग्ध देखे गए हैं, जिसके बाद से सुरक्षा बल और चौकस हो गए हैं, चौकन्ना हो गए हैं। संदिग्धों की तलाश की जा रही है और इनकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। गुरहापट्टन ये गांव है जो अखनूर के पास पड़ता है, और 3 से 4 भारी मात्रा में हथियारों के साथ लैस संदिग्ध देखे गए हैं, जिनकी तलाश अब की जा रही है। पुलिस के साथ साथ सुरक्षा बल इन संदिग्धों की तलाश में जुटे हुए हैं। इस वक्त मैं अखनूर के गुरहापट्टन इलाके में मौजूद हूं, और आप देख सकते हैं कि इस इलाके में जब 2 से 3 हेवली आर्म्ड जो है संदिग्ध देखे गए, उसके बाद यहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो है तलाशी अभियान चलाया गया है। बहुत ही एहतियात के साथ ये तलाशी अभियान चलाया गया है, क्योंकि ये इलाका घनी आबादी वाला इलाका है, IB के साथ जुड़ा हुआ इलाका है, इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है, और यहाँ पे थ्रेट जो है हमेशा से बना रहता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करवाने की कोशिशें अब तेज हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि सेना जो है वो बहुत ही एहतियात के साथ हर एक घर में जो है वो तलाशी कर रही है, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ खौफ ज्यादा सब लोग हैं, क्योंकि 3 से 4 जो संदिग्ध यहाँ पे देखे गए हैं। ऐसे में अंदेशा यही है कि ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है जो कि इस इलाके से की गई है, और अमरनाथ श्रद्धालु को निशाना बनाने की कोशिश हो सकती है। और ऐसे में जिस तरह के ये इलाका है, खुला इलाका है और IB के पास का इलाका है, और ऐसे में इस वक्त जो हालात है, बरसात है, काफी चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए, लेकिन वो चैलेंजेस की परवाह न करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज से इस सर्च ऑपरेशन को चलाया हुआ है, और उम्मीद यही है कि वो जो आतंकवादी हैं जल्द से जल्द उनको ढूंढ निकाला जाए और उनका खात्मा किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है इस इलाके में उनका होना, क्योंकि वो जो है एक बड़ी जो है एक समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा चल रही है, और ऐसे में यहां से 1-1.5 घंटे का रास्ता है जम्मू पहुंच सकते हैं वो आतंकवादी, और ऐसे में लोगों की सुरक्षा करने के लिए और ये सेना इस वक्त जो है वो लगी हुई है, और सब इलाकों के जब इलाके के लोग हैं इनको कहा गया है कि आप घरों में ही अपने बैठे रहें, दुबके रहें, क्योंकि बाहर जो है आना खतरनाक हो सकता है। और इस वक्त न्यूज 18 की टीम भी जो इनके है सेना के साथ है, और इस वक्त बहुत ही खतरनाक हालात जो है वो यहाँ पे बने हुए हैं, क्योंकि वो आतंकवादी जो छिपे हुए हैं वो कभी भी जो है जो फायरिंग है, गोलियां हैं, वो चला सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज पे, और सिक्योरिटी फोर्सेज इसलिए बहुत ही इतिहास के साथ इस ऑपरेशन को चलाए हुए है। IB के साथ सटा हुआ इलाका, क्योंकि जम्मू रीजन के तमाम इलाकों में जो है इस वक्त घुसपैठ की कोशिशें तेज हो गई हैं, और IB के इलाके से ही ये कोशिशें की जाती हैं, और ये ज्यादा से ज्यादा गड़बड़ी फैलाने की कोशिश पाकिस्तान की है, और लेकिन इस वक्त जो है सिक्योरिटी फोर्सेज चाहते हैं कि हम लोगों की जान माल की सुरक्षा करें।